ततश्चार्थेषु विज्ञसुरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वराहपीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासकनकिकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेणुवधरसुधया पूरयन गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुभद्रमिणं प्रावसदगीतकीर्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः
श्री राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार आओ ब्रजवान की लाडली ने कुमेरी ओर निहार वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णम नारायणो वंदे कृष्णो वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनौ वंदे कृष्णौ वंदे व्रदासुदम। सभी उपस्थित भक्तवृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और अपने अपने स्थान पर श्रद्धापूर्वक भगवान को वंदन नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हों कोई नो दुखारी सब हों निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्रवादे के सदमार्ग के पति को दुखिया न गोयो वे सृष्टि में प्राणदारी। दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का
सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना, वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे तो जोर से बोलो फिर। आइए मिलकर गाएंगे मेरे साथ। ठाकुर जी सर्वेश्वरी श्री राधा से क्षमा याचना मांगेंगे। जीवन में तो पाप होते ही रहते हैं, पर आपके बालक है आप, हमें दया करना, हमारे ऊपर हमें क्षमा करना। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। बहुत हूँ माना के मैं पतित बहुत हूँ, ओ पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। हे पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। हे पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। सखी और कोटि गोपिन में, अष्ट सखी और कोटि गोपिन में, ओ नवो की दास दास, ओ नवो की दास दास में, ओ नवो की दास दास में, ओ नवो की दास दास। लिख लीजो मेरो नाम लाडली श्री राधे।
किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, राधे सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओ शांति शांति शांति। मानव जीवन का रहस्य, मानव जीवन का उद्देश्य हमने आपको बताया था कथा के माध्यम से। ज्ञानियों का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति और भक्तों का उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब होता है पुनर्जन्म न होना और भक्ति का मतलब परमात्मा को पा लेने का मतलब है उनकी सेवा में अहर्निश रहना। तुम्हें छोड़ मैं अनंत न जाऊं, प्रतिदिन तेरो हुक्म बजाऊं, सेवा कर गीत में गाऊं, अपनों जन्म में सफल बनाऊं। ये भक्त की चाहत होती है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से अगर किसी एक से प्रेम हो जाए तो कल्याण कन्फर्म है।
कल्याण होगा ही होगा। या तो भगवान के नाम से हित लग जाए, या भगवान का कोई स्वरूप इतना भा जाए, या धाम में रह जाओ, या भगवान की लीलाओं का गायन करो, जैसे कथा गायन होता है, श्रवण करो। भगवान की जो कथाएं हैं ये भगवान की लीलाएं हैं, और इन लीलाओं से अटैचमेंट होना भी ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो होता है कि चलो हमारे यहाँ हो रही है तो एक बार सुन लें कथा क्या होती है, तो वो अटैचमेंट नहीं है। सुन लिए हो ठीक है, हालांकि ये भी ऐसा तो नहीं कि फल नहीं देगी, फल तो देगी, परंतु जो हरि मिलन तक की चर्चा जिसमें हम लोग करते हैं, वो चर्चा के लिए तो फिर तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा के बिना जीना ही नहीं है हमें, आपकी कथा ही हमारे जीवन का आधार है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल है प्रभु आपकी कथा का, जो श्रवण कर ले श्रवण मात्र से मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले भक्तों का सहस में ही बड़ी आसानी से बड़े सरल तरीके से कल्याण हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोपियों का भाव है, ये गोपियों का उद्देश्य है, ये गोपियों का कथन है, है? ये गोपियों का जो कथन है उस कथन को हमें स्वीकार करना है। भगवान का रूप, एक स्वरूप भगवान का कोई भा जाए तो ये भी कम बात नहीं। गोपियों को भगवान का स्वरूप ही तो भा गया था, इतने जितने भक्त हुए हैं उनको गोपियों का स्वरूप ही तो भा गया था, जिसकी वजह से आज तक गोपियों के गीतों का गायन होता है, गुणों का गायन होता है। चार कार्य हैं, नाम रूप लीला धाम, उन चारों में से अगर एक भी हो जाए तो आपका बेड़ा पार है। लेकिन जीव वहां तक पहुंच नहीं पाता है, उसके पीछे वजह यह है कि मैं मर गया तो मेरे घर का क्या होगा, क्या सोचते हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? अरे भाई, हमारे घर के सीनियर चले गए तो ये घर रुक गया क्या, ये दुनिया थम गई क्या, बताइए, ये दुनिया बंद हो गई, अब मर गई सब, हमारे बिना तो अब परिवार रहा ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं है। इस जीव की सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वो ये सोचता है मैं इस परिवार को मैं चला रहा हूं, वो ये सोचता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और उस चक्कर में वो कुछ गड़बड़ कर बैठता है। अरे ये कार्य तो भगवान का है, आपका कहाँ है? पालन करना तो भगवान का काम है, आपका और हमारा तो काम है नहीं, पर ये दुनिया वाले मानते नहीं, करते रहते यही सोचते रहते नहीं नहीं ये तो हमारा काम है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अगर समझना चाहें तो समझ लें, आपका भी थोड़ा सा भ्रम टूट जाएगा। एक मुकुंद दास नामक वैष्णव थे, अच्छे संत के शिष्य थे, और मुकुंद दास जी को महात्मा जी बार बार कहते थे क्या तुम दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हो, तो कभी तो वहां से मन हटा के हमारी तरफ आया करो, कभी तो भगवान को पहचानने की कोशिश करो, कभी तो उन्हें जानो,
कभी तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। भगवान को जानने का मतलब है अपने आप को जानना, कभी तो कोशिश करो। मुकुंद दास हमेशा बहाने बनाते थे आपकी तरह, अभी समय नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अभी देखो ऐसा नहीं हो सकता, अभी वो नहीं हो सकता। निवेदन यही करूँगा, ध्यान से सुनिए, वार्तालाप तो आप करते ही हमेशा, जब आए हो यहाँ तो घर से क्या कह के आए हो, कहाँ जा रहे हैं, जोर से बोलिए। और यहाँ पानी पीने में, पंखा हिलाने में, बतियाने में ही सारा टाइम निकाल देते हो, और फिर घर पूछते क्या किया था, बोले पता नहीं आवाज़ बहुत हो रही थी पर समझ में कुछ नहीं आया। अपनी गलती आवाज़ के ऊपर डाल दोगे। अरे जब सुनने आए हो तो सुनने का काम तो करो। एकदम मन लगा के सुनो। वो जो भक्त थे मुकुंद दास, उन्होंने संत जी से यही कहा, महाराज बच्चे छोटे हैं, परिवार बड़ा है, सारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जितना भी समय मिलता है आ जाते हैं, नहीं ज़्यादा सेवा नहीं हो सकती। बार बार महात्मा जी के कहने पर भी उन्होंने समय नहीं दिया। एक दिन उन्होंने संत जी ने अपने पास बैठा ला और उनको योग क्रिया सिखाई, और योग क्रिया के द्वारा उनको सांस रोकना सिखा दिया। श्वास को कैसे रोका जा सकता है, और कहा कि आओ अब हम तुम्हें दुनिया का सच बताते हैं। उपाय बता दिया कि ऐसा करना थोड़ा तुम। तो उन्होंने एक दिन मुकुंद दास नदी में स्नान करने गए, जैसे आज हम गए थे गंगा जी स्नान के लिए, बड़ा आनंद आया आज गंगा स्नान में, धन्यवाद है जजमान का, बहुत चकाचक हैं, खूब आनंद आया गंगा मैया का दर्शन, संतों का दर्शन और बाबा भोलेनाथ का दर्शन। यहाँ पर आकर पांडवों ने भी पूजा करी है, जिसको क्या पांडेश्वर महादेव है ना, इतना बहुत है, तो वहाँ भी सौभाग्य मिला आज दर्शन करने का। और आज कितना पवित्र दिन है, एकादशी, और वो भी एकादशी साधारण नहीं, ये भी पांडवों ने शुरू करवाई है, भीम एकादशी। ये चारों भाई हमेशा एकादशी का व्रत रहते थे, पर भीम खाने के बड़े शौकीन, यहाँ भी कई भीम बैठे, सब कुछ करे पर भूखे नहीं रह सकते, खाने को चाहिए 10 रोटी रोज, और 10 रोटी गांव की रोटी थोड़ी होती, वो तो फुलका होते बड़े बड़े महाराज, हैं, भूखे नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा, देखो भाई एकादशी का व्रत बड़ा बड़ा होता है, महान होता है, इसलिए सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए मानव जीवन पाने के बाद। एक दिन भीम गए भगवान श्री कृष्ण के पास, बोले प्रभु देखो आप सबको उपदेश करते हो व्रत रखो व्रत रखो, और महीने में 2 एकादशी आती हैं, मैं 2 दिन भूखा रह जाऊं ये मेरे हाथ की बात, मैं भूखा नहीं रह सकता। भगवान ने भीम को कहा कि तुम्हें महीने में 2 बार व्रत रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साल में 1 व्रत रखो, लेकिन निर्जला रहना, उस दिन न कुछ खाना न कुछ पीना, और तुम्हें जो पूरे साल का फल है एकादशियों का, एक ही व्रत में, एक ही साल के व्रत में तुमको वो सारा फल लग जाएगा जब तुम निर्जला एकादशी का व्रत रखोगे। भीम ने कहा महाराज एक दिन तो झेल काटेंगे, तो उन्होंने 1 दिन का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, जिसका नाम आज आप और हम भीम एकादशी कहते हैं। भीम माने स्ट्रांग। अब कितनी गर्मी पड़ रही है बाबा, मई 29, टेम्परेचर 47-48, प्रोग्राम क्या है, बोले पानी नहीं पीना है, व्रत तो व्रत पानी भी नहीं पीना है। अब है कि नहीं स्ट्रांग, चक्कर आ जाए मूर्छित है जाए हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन
जिनको भगवान के नाम का आश्रय हो उनका हॉस्पिटल भी यही है, उनका चक्कर भी यही है, उनकी औषधि भी यही है, उनका रोग भी यही है। जब भीम जैसा व्यक्ति एक दिन रह सकता है तो आप तो कॉमन पर्सन हैं, आप लोगों को भी रहना चाहिए। मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, रहना न रहना आपका काम है। इसलिए मैंने कल कहा था कि भीम एकादशी क्यों कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। पूरी साल की एकादशियों का फल एक इस एकादशी के व्रत में मिलता है। लेकिन जैसे भीम ने रखी वैसे रखें, ठाकुर जी की पूजा करें, क्रोध नहीं करें, उल्टा सीधा नहीं बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पानी भी न पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का भजन करें, भगवान नारायण श्री कृष्ण की पूजा करें। ये फल है एकादशी का, ये कर्म है। और इसके बाद फल तो वो उसके हाथ में दे न दे, अरे हम व्रत रह रहे हैं तो बहू के बाद जन कहा करे वो की मर्जी, न रहें तो कहा करे वो की मर्जी। हमारा काम है सत्कर्म करने का, राइट? तो वो करते रहिए। आप और हम इस चक्कर में सारे गम भुलाए दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्कड हार्ड फॉर योर फैमिली है। पीपल मेड मी वीप, पीपल मेड अस डांस जस्ट लाइक टू पेपर। कठपुतली होती है ना, ये दुनिया वाले हमें वैसे नसा रहे और हम नाचे चले जा रहे हैं। हम यही सोच रहे इसको हम चला रहे हैं। मुकुंददास जी को कहा कि भाई तुम जो है ऐसा कर्म करो, बोले ठीक है। एक दिन वो नदी में स्नान करने के लिए गए, योग क्रिया के द्वारा उनको सांस रोकना आ गया था, तो उन्होंने अपनी सांस रोक ली। और जब उन्होंने सांस रोक ली तो जो देखने वाले थे उनको लगा कि मुकुंददास जी नदी में डूब गए, कपड़े वहीं रह गए, और वो भीतर ही भीतर तैर के नदी में अपने गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए। अब घर में शोर हुआ, गांव में शोर हुआ कि भाई मुकुंददास नहीं रहे, मुकुंददास नहीं रहे, मुकुंददास नहीं रहे। अब तो बालक रोवे, पत्नी रोवे, सब रोवे, जैसे रोते ही हैं सब, दो चार दिन तो नहीं। अच्छा, यहाँ मरने वाले जब मर जाते हैं तो उनके यहाँ जब रोने वाले आते हैं उनको कौन कौन रोटी खिलाता है? रोटी खिलाते कि नहीं? रोने जो आते हैं बतारी करने वाले, बताओ खिलाते कि नहीं? मना कर दो, नहीं खिलाते तो चाय तो पिलाते हो, नहीं पिलाते? क्या बात है, सब शांत बैठे, क्या खिलाते हो? नहीं। एक तो मरे को वो बोझ, ऊपर से खवावे को इनको बोझ कि रोबे आ रहे जेऊ को खिबाओ, कितनी गजब बात। गांव में जितने भी वैष्णव थे, जितने भी गुरुजी के शिष्य थे अथवा सामाजिक लोग थे, उनको लगा कि मुकुंददास चले गए, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये तो बड़ा गलत हो गया, चलो भाई हम पूरे गांव के लोग मिलकर इन बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। किसी ने कहा मैं पूरे महीने का राशन में भेज दिया करूंगा, किसी ने कहा ये जहां रहती है उसका साफ साफ जो भी करना होगा मेरे आदमी आके कर जाया करेंगे, कोई कहता है वस्त्रों की व्यवस्था हम कर देंगे, कोई कहता है इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। एक जन बोला देखो भाई हम पे पैसा तो नहीं है, लेकिन जो भी बाजार से लाना पीना जो भी करना का काम होगा हम ले आया करेंगे। कहने का अभिप्राय है मुकुंददास मर गए पर भगवान ने तमाम मुकुंददास पैदा कर दिए और तमामों ने उन घर की जिम्मेदारी संभाल ली। महात्मा जी भी कुछ दिन के बाद वहां गए, उनके घर पहुंचे और पूछा बेटी तुझे कोई असुविधा तो नहीं है? बहू से पूछा मेरी बच्ची तुझे कोई असुविधा तो नहीं है? तो बहू ने जवाब दिया बाबा पति की कमी तो कभी पूरी नहीं होगी पर जीवन उनसे भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। जीवन उनसे ज्यादा अच्छा चल रहा है कैसे? बोले महाराज अब तो पूरे गांव ने हमारी जिम्मेदारी संभाल ली, आपके पूरे शिष्यों ने हमारी जिम्मेदारी संभाल ली है, अब हमें खाने पीने वस्त्रों में कोई कमी नहीं रही। मुकुंद दास इस बात को सुन रहे थे, गुरुजी साथ में लेकर आए थे, पीछे छुपका है वो सुन रहा है।
वो कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो मुकुंददास से भी ज्यादा अच्छा व्यतीत हो रहा है, पहले से भी ज्यादा अच्छा व्यतीत हो रहा है। संत जी मुकुंददास को लेकर गए और कहने लगे, बेटा तू तो कहता था कि तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तू तो कहता था कि तेरा परिवार तेरे बिना नहीं चलेगा, अब बता तेरा परिवार तेरे बिना चल रहा है कि नहीं। तेरी पत्नी कहती है जीवन यापन तो पहले से भी अच्छा व्यतीत हो रहा है। बोले महाराज एक बार मैं जाके देख लूं। हाँ बोले बिल्कुल जाके देख लो। रात्रि का समय था, अंधेरा हो रहा था, मुकुंददास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। तो देवी ने भीतर से आवाज लगाई, कौन है आप? बोले तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी, मैं तुम्हारा पति मुकुंददास। अरे मेरे पति तो मर गए। अरे बोले मरे नहीं थे, हम तो तैर के चले गए थे, लोगों ने कह दिया हम मर गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। पत्नी ने जो जवाब दिया वो हर पति को सुनना चाहिए। पत्नी ने जवाब दिया, तुम मरे हो या जिंदा हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर तुम यहां आ गए तो बच्चे तुम्हें भूत समझ के डरेंगे, तुम हमारी चिंता मत करो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमसे अच्छा हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, अगर तुम जिंदे भी हो तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। ये किसने कहा, जोर से बोलिए। पत्नी ने, जिसको हम कहते अर्धांगिनी, जिसको हम कहते धर्म पत्नी। सच्चाई यह है पत्नी हो या पति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबके यह है। आप अपनी पत्नी पर एहसान नहीं कर रहे, आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, सब कुछ छोड़ के आई है, माँ बाप भाई बहन परिवार घर सब कुछ छोड़ के आई है, लेकिन क्या तुमने भगवान के लिए एक मोह भी छोड़ा है? वो अपना सब छोड़ती है तब उसे परमात्मा के रूप में पति मिलता है, और हम मोह भी नहीं छोड़ते और इच्छा रखते हैं भगवान से मिलने की, कैसे मिलेगा? भगवान से अगर मिलना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, संसार में तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, ये तो पक्की बात समझ लो। एक और बात बताऊं, अभी हम जो गंगा जी गए ना तो रेलवे स्टेशन भी रास्ते में पड़ा हूं, फरुखाबाद का रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आके खड़ी हुई, और जब ट्रेन खड़ी हुई उस ट्रेन के नीचे पटरी के बीच में कुत्ता बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना, कौन बैठा हुआ था? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कुत्ता बैठा हुआ था। श्वान कहते हैं उसे संस्कृत में, इंग्लिश में उसे डॉग कहते हैं, हमारी तुम्हारी भाषा में बातें कुत्ता कहते हैं। कहाँ कहते हैं? ट्रेन के डिब्बा के नीचे बैठे हुए। वो संयोग बड़ा विचित्र बना, जैसे ही कुत्ता खड़ा होकर चलने लगा वैसे ट्रेन चलने लगी। और एक विचित्र संयोग हुआ, उसने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाई तो ट्रेन की स्पीड बढ़ी। अब मिस्टर डॉग को क्या गलतफहमी हुई कि इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं। मिस्टर डॉग ये सोच रहे हैं किस ट्रेन को मैं खींच के ले जा रहा हूं। दो चार कदम और दौड़े, उन्होंने कहा बाप रे बाप पसीना आ गया, थोड़ी देर रेस्ट कर लूं फिर चलाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी ट्रेन है, कोई छोटी मोटी थोड़ी है, फिर इसमें इतने लोग बैठे हुए, थोड़ी देर रेस्ट कर लूं फिर और लेके चलूंगा। बीच पटरियों में वो क्या बैठ गया, लेट गया।
और वो जब लेटा तो ट्रेन रुकी, बोलिए ट्रेन रुकी, क्या हुआ? ट्रेन चली गई। और जब ट्रेन चली गई तब उस मिस्टर डॉग की गलतफहमी दूर हुई कि इस ट्रेन को मैं नहीं चला रहा था, इस ट्रेन को तो कोई और ही चला रहा था, मैं तो ऐमे ही चक्कर में पड़ गया, गलतफहमी में आ गया कि ट्रेन मैं चला रहा हूँ। ताली मत बजाइए, अब बजेगी ताली इसके बाद। तो वो मिस्टर डॉग है कौन? अब बजाओ, अब बजाओ, नहीं रही ना हिम्मत? ओ माय गॉड, हम पे ही आ गई बात। ये पूरा परिवार ट्रेन है, संसार रेलवे स्टेशन है, और हम उस कुत्ते की तरह हैं जो समझ रहे हैं कि इस ट्रेन को हम चला रहे हैं। चला पागल आदमी, तेरी क्या औकात है? बीमार पड़ जाए तो तू खुद नहीं चल सकता, परिवार चलाएगा? ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी पूरी दुनिया को चलाता है, तुझे भी वही चलाता है। और ये गलत फहमी है उस कुत्ते की तरह, जैसे वो कहता है हम ट्रेन चला रहे हैं, वैसे हम कहते हैं परिवार चला रहे हैं। तुझसे पहले ये जिम्मेदारी तेरे बाप की थी, आज तेरी है, कल तेरे बच्चे की होगी। तू तो सिर्फ एक किराएदार है, भगवान के हाथों का एक मोहरा है, फेंक दिया खत्म। और इसके बाद अगर गलत फहमी पालते हो तो तुमसे पहले बहुत आए वो चले गए, तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे वो आ जाएंगे, तो तुम कैसे रहोगे यार? कल आपने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज की पूजा करवाई, अर्थात अपनी पूजा ब्रजवासियों से करवाई। देवराज इंद्र को बड़ा बुरा लगा। देवराज इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा ब्रज के ऊपर करी, 7 दिन 7 रात घनघोर वर्षा ब्रज के ऊपर करी। जब सब ब्रजवासियों ने, ब्रजवासियों को डरा हुआ देखा भगवान ने, तो श्री कृष्ण ने कहा तुम सब मेरे पास आओ, हम गिरिराज बाबा के पास चलते हैं, और जो गिरिराज बाबा कहेंगे हम वही करेंगे। तो गिरिराज बाबा ने कही, ये कन्हैया गिरिराज पर्वत उठावेगो, तुम सब अपने लठन को सहारो लगाइयो, और तुम सब लठन को सहारो लगाए के रहोगे तो ये गिरिराज पर्वत टिक्यो रहेगो काना की उंगली पे। कन्हैया ने झट अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा लिया। और जब कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया तो 7 दिन 7 रात्र तक गिरिराज पर्वत कन्हैया की इस उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे रहा। कौन सी उंगली कहते हैं उसको, जोर से बोलो। छोटी तो मैं ही कह रहा हूं, आपके यहां क्या कहते हैं इसे? हैं? चुनिया। भगवान के दिए हुए अंग के भी अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्र में है ना। जो भी हो, ये कनिष्ठ की उंगली। क्या हिम्मत है आप में? 7 किलो वजन 7 मिनट तक इस उंगली से उठा सको है? बोलिए किसी में है? और श्री कृष्ण ने 7 कोस की परिक्रमा जिस पर्वत की है, उसको 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण करके रखा। क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होता कि ये भगवत्ता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो भगवान ही थे? भगवान के रास पर संदेह करने वाले लोगों को सबसे पहले भगवान की रासलीला से पहले की कथाएं सुननी चाहिए। वो जहर भी पीता है, वो काली नाग को भी नाथता है। काली नाग विषधर, जमुना जी के ऊपर से जो पक्षी उड़े वो उस विष की वजह से वहीं मर जाता है। ऐसे विषैले काली नाग को भगवान नाथते हैं। फिर गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक
अपनी कन्नी उंगली पर धारण करते हैं तब कहीं जाके रास करते हैं। हमारे हिंदू लोग ही हमारे राम और कृष्ण पर उंगली उठाते, कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं उठाता। बाहर के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं हमारे धर्म के विषय में, और जिनको पता है उन्होंने अपने धर्म का परित्याग किया, उनको पता लगा कि इस धर्म से बढ़िया कोई धर्म हो नहीं सकता। ये मानवता के लिए है, ये जीवन के कल्याण के लिए धर्म है, ये ही धर्म है, बाकी के तो बस पंथ हैं। धर्म तो एक ही है पूरे विश्व में, सनातन धर्म, बाकी का सब पंथ है। पंथ वो होते हैं जो महापुरुषों के द्वारा चलाए जाते हैं। आजकल भी तमाम संत हैं जो अनेकों रास्ते बताते हैं, कोई कहता है ब्रह्म निराकार है, कोई कहता है कुछ है, कोई कह निरंकारी हो गए, कोई है तमाम हो गए। महात्माओं के द्वारा चलाए हुए जो मार्ग हैं वो पंथ हैं, और जो भगवान के द्वारा पूरे विश्व को जो दिया गया है वो धर्म है, और ऐसा धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, कोई दूसरा धर्म इस धरती पर नहीं। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप और हम उसी धर्म में ऑलरेडी पैदा हुए हैं, और अब तो इस धर्म की महत्वता इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा हर जगह हो रही है। अब सब गीता पढ़ रहे हैं, बाइबल भी गीता से अलग नहीं, कुरान भी गीता से अलग नहीं, और मिला के देख लीजिए एक जैसा ही है। थोड़ा बहुत अंतर अगर कहीं हुआ तो वहां लगता है कि ये किसी व्यक्ति ने लिखी है, भगवान ने नहीं। जितने भी संसार में ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ लीजिए, वो सब गीता का ही लक्षण दर्शन कराते हैं, लेकिन जहां अंतर दिखता है वहां दिखता है कि एक इंसान ने लिखी है। गीता पढ़ेंगे तो पता चलता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, स्वयं से कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज सर्व धर्मान परित्यज्य। कितना बड़ा उद्घोषण भगवान कर रहे हैं, तू पाप पुण्य के बारे में सोच, मेरी शरण में आ जा, मैं कल्याण कर दूंगा। और दूसरे बाइबल पढ़िए या था कुरान पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वहां भगवान नहीं बोल रहे हैं, वहां एक मंत्र पंथ बोल रहा है, एक संत बोल रहा है, एक अच्छा व्यक्तित्व बोल रहा है। अब पढ़ के देख लीजिए, इसमें मेरा कोई जबरदस्ती जोर नहीं है, तो हम लोग बी प्राउड, हमें गर्व है इस बात का कि हम लोग भारतीय हैं और संस्कृति हमारी सनातन धर्म को स्वीकार करने वाली है। लेकिन कृष्ण को जाने बगैर कृष्ण पर उंगली उठाना ये हमारी मूर्खता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो धर्म को नहीं जानते हैं वो भी कह देते भगवान रासलीला करते थे। अरे रासलीला का मतलब भी मालूम है क्या है? जानते भी हो रास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रास? रसानाम समूह रास एको हम बहुत श्याम। जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हो गए वहां। कितने? जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हैं। गोपी कितनी है? बोले अनकाउंटेबल, गिनी नहीं जा सकती। कृष्ण कितने? बोले अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते। क्या इंसान एक में से कई हो सकते हैं? आप हो सकते हो एक से दो? नहीं हो सकते ना, तो हम तो एक से एक ही रहते हैं। पर वो एक से दो हो गए, बजे वो तो भगवान है, एक से अनेक हो गए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, क्यों? क्योंकि वो तो भगवान है। और जिस समय कृष्ण ने रास किया उस समय गोविंद की उम्र क्या है बोलिए, बताइए तो सही। रास करते थे कन्हैया रास करते थे के पापी देख देख मरते थे, के पापी देख देख मरते थे कन्हैया रास करते थे। दुष्ट कहीं के मालूम नहीं है कृष्ण की एज क्या है, इसके बावजूद भी शक जरूर करना है भगवान पे है? जिस समय श्री कृष्ण ने रास किया, महारास किया, उस समय कृष्ण की आयु मात्र 6.5 साल की है। कितनी है? हेलो माय डियर, कितनी है? 6.5 साल को बालक कहा जानतो है? जानतो है का? 6.5 साल को बालक सिर्फ एक चीज जानते हो कि माते प्रेम कैसे करे जानते है।
अगर 6.5 साल के बच्चे को प्रेम की भाषा पूछी जाए तो एक ही भाषा कहेगा कि मेरी माँ से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ये मुझे मालूम है कि मेरी माँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। 6.5 साल का बच्चा इतना शुद्ध प्रेम करना जानता है, हाँ या ना? और 16.5 साल का बेटा रोटी खा ले, वो फोन पे लग रहो अभी आ रहा हूँ, बेटा लेट हो रहा है, मम्मी रुक जाओ ना, बेटा भोजन ठंडा हो जाए तो कर लूंगा ना मैं, तू सो जा, मम्मी आई और एक दाव खींच के गाल है, अब खा ले, चलो पहले क्यों नहीं कहा था ऐसे, चल दिया। हम दो हमारे एक, इकलौता बेटा है, कहीं कुछ कर न ले इसलिए उसे जबरदस्ती जैसा कहता है वैसा करवाते हैं, थप्पड़ तो गाल पे पड़ता नहीं, पड़ता नहीं तो। अब आप कहेंगे शांति दू थप्पड़ की बात कैसे कर रहे हैं, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, भय बिन होइ न प्रीत, है ना? बोले राम सकोप तब भय बिन होइ न प्रीत। जब तक आपके बच्चों का आपका भय नहीं होगा वो अच्छे नहीं बनेंगे। जिन जिन के बच्चे बिगड़े हुए हैं उन्हें पता है हमारे माँ बाप कमजोर हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जिनको ये पता है कि हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं उनके बच्चे कभी सुधर नहीं सकते। यहाँ जितने भी 30-40 साल के लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताओ आपके पापा कितना प्यार करते थे आपको, डांटते थे कि नहीं, मार पड़ती थी कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो प्यार नहीं करते थे, करते थे, लेकिन कहीं हम बिगड़ ना जाएं इसलिए वो हमें डांटते भी थे। आजकल के माँ बाप डांटते नहीं है, डर लगता है एक ही ये पता नहीं घर छोड़ के चला गया तो हमारा क्या होगा, कंजूसड़ा कहीं का, राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण 6.5 साल के हैं, कितने साल के हैं अब मुझे बताइए, 6.5 साल का बच्चा क्या संसारिक प्रतिक्रियाओं के विषय में कुछ जानेगा, जानेगा? या कोई भी 20 साल की लड़की 16 साल की लड़की 6.5 साल के बच्चे को कांत रूप में याद कर सकती है, भज सकती है क्या? जवाब दीजिए। कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, उसे समझना चाहिए। यहां जितनी भी कुंवारी कन्याएं बैठी हैं 16 साल से ऊपर ऊपर की हाथ उठाइए, ऊंचा करिए ना, शर्माना किस बात का है, अच्छी चीज समझने में देर लगेगी क्या, उठाइए हाथ, नीचे करो। क्या 6.5 वर्ष के बच्चे के प्रति तुम्हारे मन में कांत भाव उत्पन्न हो सकता है? कांत भाव जिसको हम लोग कहते फ्रेंडशिप, हो सकता है? नहीं हो सकता। उसमें भाव होगा या तो छोटा भाई या बेटा, यही भाव हो सकता है उसमें। कृष्ण 6.5 साल के, और गोपियों की उम्र मत पूछो, वो तो 20 की भी हैं, 25 की भी हैं, 30 की भी हैं और 10 की भी हैं। और मांग क्या रही है, कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी, कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, सेवा करती हैं, और व्रत में क्या मांगती हैं, नंद गोप सुतम देवी, ये जो नंद कुमार है ना ये पति के रूप में हमें मिल जाए, ये समझो बस, ये पति मिल जाए हमें। 6.5 साल के बच्चे को गोपियां पति के रूप में पाना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां जानती हैं ये बालक नहीं है, ये पालक है। गोपियां तुम्हारी जैसी साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी ऋषि मुनि हैं, और उनकी तपस्या का फल उनको मिल रहा है। यहां कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का सानिध्य। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितनी भी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, कौन कौन चाहता है कन्हैया की उंगली पकड़ के नाचना? अगर अभी कन्हैया प्रकट हो जाएं और कहें
कि मैं उसी की उंगली पकड़ के नाचूंगा जो मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ दे, पति पुत्र भाई बहन माँ बाप सब छोड़ के सिर्फ मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ नाचे, मैं उसको अपना बना लूंगा, उसके साथ में नाचूंगा। तो कौन कौन तैयार है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, माता बहन सब, कौन कौन तैयार है? तैयार हो? जब तुम ऐसे कलयुग में तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए, तो द्वापर युग में कन्हैया जब गोपियों के सामने खड़ा होगा तो उन्हें क्या नहीं लगा होगा, क्या नहीं छोड़ सकती वो। अरे जब तुम इस कलयुग में इतनी महान बनने की कोशिश कर रही हो तो वो तो गोपियां थी, उनके तो सामने कृष्ण थे। यहां बाई चांस की बात की जा रही है, और वहां तो चांस था, वहां तो कृष्ण थे। और कृष्ण ने रास क्यों किया? एक बार कामदेव, एक दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ और मित्र बसंत के साथ नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक से अपने मित्र बसंत से कामदेव बोले कि मेरा मन युद्ध करने का कर रहा है, कोई ऐसा योद्धा हो जो मुझसे युद्ध कर सके, कोई तो ऐसा योद्धा हो इस संसार में, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। उसी समय उनको देवर्षि नारद नजर पड़े नंदन वन में। नारद जी ने देखा एक कामदेव भ्रमण कर रहा है, इस दुष्ट से तो बच के ही रहो, रास्ता बदल के जाने लगे। हमारे शास्त्र कहते खल और कांटे से हमेशा बच के निकल जाना चाहिए, खल और कांटे को कभी फेस नहीं कर, हो सके जितना हो सके टालना, जितना टाल सकते हो टाल दो, और जब न टाल सको तो फिर फेस तो करना ही पड़ेगा। कामदेव ने जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। नारद जी बोले देखो हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले हमने आपसे एक बार युद्ध किया था तो आपने हमें बंदर बना दिया था। रामायण सुनी है? रामकथा सुनी है कि नहीं? एक बार नारद जी तपस्या करने बैठे थे हिमालय की कंदराओं में, और इतनी घनघोर तपस्या करी कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र को लगा कि नारद जी मेरा सिंहासन छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो कामदेव को भेजा, जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव आए तपस्या भंग करने के लिए। लाख प्रयास करने के बाद भी कामदेव नारद जी का तब भंग न कर सके, तो आखिर चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने उन्हें क्षमादान दे दिया। तो नारद जी को अचानक ये ज्ञान हुआ कि मैंने तो काम क्रोध दोनों को ही जीत लिया, आज तक काम क्रोध किसी ने नहीं जीता। इस अभिमान को लेकर नारायण भगवान के पास में गए, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहे सहित अभिमान। हे प्रभु सब आपकी कृपा है जिससे मैंने कामदेव को जीत लिया है और क्रोध को भी जीत लिया। महाराज सिर्फ अकेले काम को ही नहीं जीता, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान समझ गए और अंकुर गर्व तरुभारी। ऐसा लगता है इनके हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया है। तो बोले अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब जो लौट के आ रहे थे जट विश्व मोहनी को देख लिया, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। अब नारद जी का मन बेचैन हो गया, अब तो शादी करना चाहते हैं। तुरंत लौटे चले आए भगवान के पास। भगवान ने पूछा हाँ जी बोलो जी क्या बात है? आपन रूप देव प्रभु मोही, आने भांते नहीं पाव मोही। हे प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो। बोले क्यों? बोले वो एक कन्या है बहुत सुंदर, उसे विवाह कर लेना का मन कर रहा है हमारा। भगवान जी बोले ठीक है, कौन सा रूप चाहिए? बोले हरि रूप दे दो, अपना रूप दे दो। लेकिन एक बात नारद जी ने बहुत अच्छी कही थी, राधे राधे बोलना पड़ा देवियों। नारद जी कहते प्रभु आप अपना स्वरूप हमें दे दीजिए।
भगवान से एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही नारद जी ने, ये बात हर मानव को भगवान से कहनी चाहिए, हो सके तो आप भी कहिए। जी ही वेद हो ये नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबे दास में तोरा, करहु सुबे दास में तोरा। नारायण जी से कहते नारद जी कि महाराज जिसमें मेरा हित हो वो करना, मैं आपका दास हूं, जो कोई दासता स्वीकार कर ले तो स्वामी का दायित्व है अपने उस दास का भला करे, कल्याण करे, उसका बुरा नहीं होने दे। फिर जो हमारी शरण में है फिर तो उसका कल्याण ही होना चाहिए, ये निश्चित बात है। अब नारद जी का हो सकता है उससे पहले विवाह करवा भी देते, लेकिन वो कह रहे दास में तो रहा, तो दास को शादी के झंझट में डलवा दें तो फिर तो ये जिंदगी भर दास में तोरा, फिर हाथ में कटोरा लेके कमाते रहेंगे। कटोरा लाओ, थाली लाओ, ये लाओ है, देवी जी कहेंगी आज नमक बीत गो, मिर्च बीत गई, आज हल्दी ना रही, आज नींबू ले आओ, आज हरी मिर्च कहाँ। अब नारद जी नारायण नारायण करेंगे, हरी मिर्च ला में बाजार थे है? तो परेशानी होगी कि नहीं। भगवान ने कहा ठीक है तुम जो कहते हो, आज हम तुम्हें एक लीला दिखाते। तो नारायण ने नारद को बंदर बना दिया उस समय, लेकिन कितनी बड़ी दयालु है मेरा ठाकुर, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े दयालु हैं वो। दुनिया ने जितने भी लोग थे उन्होंने नारद जान सबई सिर नावा, सबको लगा नारद जी आए, किसी को नहीं लगा बंदर आया है। बंदर किसको दिखा? अकेली उस कन्या को, विश्वमोहिनी को। मरकट वदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध वाते, मरकट बदन भयंकर दे ही, एक बंदर भयंकर देह वाला बंदर बैठा हुआ है मुझसे शादी करने, उसे बड़ा क्रोध आया। वैसे तो कहते थे कामदेव जीत लिया, कामदेव जीत लिया और हमसे विवाह करने के लिए आ गए। और इससे भी बड़ी लीला क्या करी, भगवान स्वयं ही आ गए उसे विवाह करने के लिए और माला डलवाई और चले गए। तो नारद जी कह रहे भैया हमें तो वो बंदर वाला रोल अभी भी याद है, हमने एक बार तुमसे लड़े तो तुमने हमको बंदर बना दिया, अब हम तुमसे दोबारा नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ रहे, हमें तो भजन करना है। कामदेव बोले महाराज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, मेरे हाथों में खुजली हो रही है और मुझे युद्ध करना ही है, अगर आप युद्ध नहीं कर सकते तो मैं जिससे युद्ध करूं ऐसा मुझे योद्धा बता दीजिए। नारद जी ने बोली बेटा आज बदला लेने का मौका आ गया, आज तेरी ऐसी खबर लिपाऊं तू भी क्या याद रखे। उन्होंने भेज दिया जाओ अगर तुम्हें युद्ध करना ही है तो नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज उर चंदन मनमोहन घनश्याम चित चोर समरिया नंद लाल गौओं को चराने वाला गोपाल, मनमोहन मोहना घनश्याम समरिया गोपियों का प्राण वल्लभ, राधा का प्राण वल्लभ, उस श्याम से जाके युद्ध करो। अरे महाराज उससे युद्ध क्या करेंगे, वो तो छोटा सा बच्चा है, बोले जाके तो देख। और हाँ वो मना करेंगे, अगर वो मना करें तो हमारा नाम ले देना उनसे। बोले ठीक है, झट चल दिए युद्ध करने के लिए। और वहां मेरे ठाकुर कैसे हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग करके मेरे प्यारे पीली पीतांबर धारण किए हुए सुंदर घुंघराले केस जिनके अलकावली जो है बड़ी प्यारी ऐसी लग रही हैं जैसे कारी कारी नागिन भगवान के श्री अंग से विचरती हुई घूम रही हैं, आनंद कर रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, इतना सुंदर आनंद आ रहा है। कामदेव ने उस छवि को देखा तो मन ही मन बड़ा द्रवित हो गया, बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा मोहित होने लगा धीरे धीरे, कितनी सुंदर छवि है। संतों की भाषा बड़ी प्यारी है, अपने राम ने तो ऐसा कहा है, हमारे राम तो ऐसा चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारे राम चाहते हैं।
और हम और आप क्या कहते हैं, भाई मैंने तो होते कही थे समझ में नहीं आए, अरे तेरा भला करे, मैं हूँ क्या, मैं कौन चीज है। इतनी प्यारी छवि को देखकर कामदेव भगवान ने स्वागत किया, हे पुष्प धनुषधर वीर हम आपका स्वागत करते हैं, कहो तुम कौन हो। बोले आप हमें नहीं जानते, हमारा नाम कामदेव है, मदनो मनमतो मारो प्रद्युम्नोमि निकेतन कंदर्प दर्प को नंग काम पंच सरस्मर, मदन कहा मद नहीं राखो मर्दन कर दो मर्दन मद ही, मनमत हो मन मत मत सबके दद को छाच करो पल छिन ही, मारे हो मार दऊ मति रति सती मार की मार सो ब्रह्म हूँ का पही। मैं वो मदन हूँ, मैं वो कामदेव हूँ, जिस कामदेव ने शंकर ब्रह्मा सभी देवताओं को परास्त कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त कर दिया, मैं कामदेव हूं। भगवान बोले तो भैया मेज और का एक हुआ है आपसे युद्ध करने, अरे मोती युद्ध करे भैया नेक्स्ट सौ मुँह पे तो गैया चरा वो आवे युद्ध करे वो मुँह पे आवे ही ना, तेरे घर में गैया हो तो गैया ने भेज दियो गैया चरा लाऊंगो पर मुँह पे युद्ध करवो ना आवे। अरे बोरे महाराज ये बात तो हमने पहले ही कही नारद जी से, वो छोटा सा बच्चा हमसे युद्ध कैसे करेगा, नारद जी नहीं माने, नारद जी ने भेजा आपको, अरे तो पहले क्यों नहीं कहा चलो युद्ध करेंगे, नारद जी ने भेजा है तो युद्ध करना पड़ेगा। बोलिए कैसा युद्ध करना है, किले का कि मैदान का, अभी तो कह रहे थे युद्ध करना नहीं जानता, अब कह रहे हैं किले का कि मैदान का, दोनों में अंतर क्या है। बोले एक किले का में युद्ध है, इसको कहेंगे कि मैं स्नान ध्यान करके एकांत में बैठा हूँ, अपने आराध्य का स्मरण कर रहा हूँ, तुम आना और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना, अगर तुमने पूरी शक्ति का प्रयोग करके मेरे हृदय में काम जागृत कर दिया तो तुम्हारी विजय, और अगर नहीं किया तो मेरी विजय। मैदान का युद्ध किसे कहेंगे, बोले मैं अकेला पुरुष हूंगा, अनंत कोट ब्रज की गोपियां एक से एक सुंदर गोपी होगी महाराज, एक से एक। हेलो एक बात बताऊं, बताओ नहीं, गोपी कितनी सुंदर है मालूम है तुम्हें, नेक नेक सी माताएं बहन लाली लगा के काजल लगा के बार बिखेर के चल दे तो हमारे ये लोग बाइकर्स बाइक पे घूमे वारे पीछे घूमते फिर पीछे पीछे कहाँ है कौन सी गली में रहती हैं, थोड़ा नाम पता पता चल जाए, हाँ या ना है? कई तो यहाँ गुजरे जमाने के आशिक बैठे हुए हैं, पहले बाइक नहीं पहले पैदल पैदल ही चलते थे, और पहले जाते भी नहीं डंडों का डर रहता था, आजकल तो सब बताऊं कितनी सुंदर हैं। इस संसार में जितनी भी मिस वर्ल्ड हैं, इस संसार में जितनी भी सुंदरता है उस सुंदरता को एक जगह रखो, सारी सुंदरता को एक में बनाओ, एक जगह पर स्थापित उस सुंदरता को करेंगे तब जाके देवलोक की एक अप्सरा तैयार होती है। कहां की देवलोक की एक अप्सरा, ये मेनका उर्वशी ये जिनका नाम आप सुनते रहते हो, एक अप्सरा बनती है, इस पूरे विश्व की सुंदरता को एक जगह रखेंगे तब, और जितनी भी देवलोक में अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता को जब एक जगह रखेंगे तब ब्रज की एक गोपी की सुंदरता प्रकट होती है, तब एक गोपी की सुंदरता। हाँ तुम्हारे बापों का जा रहा तुम कहीं ताली बजाओगे, तुम्हारे घर की थोड़ी हो गोपी आलसी कहीं के, हाथ हिल न जाए टूट जाएंगे बंदर कहीं के, जोर से बजा। व्रत करे कोई और आलसी बने कोई, जोर से बजा नहीं हो क्या, स्वापी को मोह छोड़ो ने बजाओ जोड़ते, कहूं ये तुम्हारे जब चिता में जराए जाओगे हाथ अलग ना धल्ले जाएंगे कि इन्हें धल्ले साइन करवाने, और जोर से बजाओ बस। अब कहां आ गई हिम्मत, ये हाथ ने ऐसे बचा के रखेंगे जैसे कब जब चिता में जलेंगे हाथ काट के रख लेंगे, बापू के सिग्नेचर चाहिए ले ले,
करवांग ते सिग्नेचर ते मरत खेम तेरी सब बैलेंस शीट खत्म, छोरा पे नाम करवा ले वो ट्रांसफर करवावे कि ना है, फिर काय काम में आएंगे हाथ, काय के काम में आएंगे, एक दो तीन चार गिनता रहता है समिया रात, कभी भजन किया कर, एक माला दो माला चार माला दस माला बीस माला पांच सौ माला नहीं होती ना, हाँ ताली तो बजती नहीं आलसी कहीं से। क्या कह रहे थे हम, भगवान ने कही ये मैदान का युद्ध है, गोपी होंगी अनेक, मैं होंगो एक, तुम आना अपने पूरी शक्ति का प्रयोग करना, काम जागृत कर दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं कर पाए तो मेरी विजय। कामदेव बोला ये रास वाला ये जो मैदान वाला युद्ध है ये ठीक है, काम कब प्रबल होता है, रात्रि के समय, काम कब प्रबल होता है, स्त्री पुरुष साथ में हो तब, भगवान ने सारी सुविधाएं उसी को दी, ले रात्रि भी होगी, स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, अकेला पुरुष में होगा, तू आ जाइयो। कितने साल के कन्हैया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और 6.5 साल के कन्हैया ने बंसी बजाई, क्या प्यारी बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध विसराई, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध विसराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध विसराई श्याम ने, ओ कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध विसराई श्याम ने। उठे उमंग रहा नहीं जाए,
दोनों हाथ ऊपर करिए, बैठे हुए भी दोनों हाथ ऊपर करें, जो भक्त बैठे सभी ऊपर हाथ करें दोनों। उठे ओ मंग रहान की जाए, उठे ओ मंग रहान की जाए, उठे ओ मंग रहान की जाए। ऐसी मस्ती जगो, ऐसी मस्ती मस्ती, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने मेरी सुधी विसराई। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। एक संदेह दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं रास करूंगा, तू माना। तब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन किया रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय बांसुरी वादन किया और बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। एक एक गोपी का नाम उस बांसुरी में लिया। आश्चर्य की बात थी कि प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि मेरा नाम लिया जा रहा है बांसुरी में, श्याम के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा है। रात्रि का समय है, जितनी भी गोपियां थीं अपना घर काम छोड़कर भागी। कोई अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, किसी के गोबर में हाथ हो रहे, कोई गाय का दूध निकाल रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। जो गोपी जिस स्थिति में थी वो गोपी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। यही सच्ची भक्ति है। भगवान के यहां से निमंत्रण आए और हम सोचें कि हम कैसे जाएं या जाएं अथवा नहीं, इसका मतलब है अभी माया हावी है। और भगवान के यहां से निमंत्रण आए तो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े तो ये समझ लेना कि ठाकुर जी की लाख लाख कृपा हम सबके ऊपर हो गई, लाख लाख कृपा हो गई। हम और आप सब यहां बैठे गोपी भाव लिए। गोपियां अपना, गोपियों को हम जानते नहीं, इनसे बड़े त्यागी कोई नहीं है। हम गोपियों के प्रेम की चर्चा करते हैं क्योंकि वो चर्चा हमको आगे बढ़ाती है। गोपियों का त्याग भी किसी त्यागी से कम नहीं है। कितना बड़ा त्याग है गोपियों का हम कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई बहन। देखिए, सास ससुर को छोड़ना आसान है, स्त्री के लिए सबसे मुश्किल है पति और पुत्र को छोड़ना। आजकल पति को भी छोड़ना आसान है, थोड़ी सी लड़ाई हुई पति छोड़ दिया, लेकिन सबसे मुश्किल काम है पुत्र को छोड़ना। स्त्री अगर अपना पुत्र छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि वो पूर्ण त्यागी है, और ये आसान नहीं है, होता ही नहीं है। जिस स्त्री ने संतान को जन्म दिया है वो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो सबसे लड़ सकती है अपने बच्चों की खातिर। लेकिन बच्चों को भी छोड़ दे भगवान की खातिर तो समझ लेना ये प्यार परिपूर्ण है, ये त्याग परिपूर्ण है। गोपियों से बड़ा त्यागी कौन हो सकता है मेरे भाई बहन, जिन गोपियों ने अपने कृष्ण के लिए अपना पति पुत्र सास ससुर लोक लज्जा सबको एक तिनके के समान तोड़कर
रात्रि के समय श्रीधाम वृंदावन में वहाँ पहुँच गई, जहाँ पर ब्रज की राजा सर्वेश्वर से कृष्ण बांसुरी वादन कर रहे हैं। और आया हुआ देखकर कन्हैया ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कज्जित ब्रूता गवन कारणम, स्वागतम वो महाभाग स्वागतम वो महाभाग स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागाओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, कहो तुम कैसे आई हो। ब्रज में मंगल है ना, ब्रज में कछु अमंगल तो नहीं है, और अगर अमंगल है तो सब स्त्रीन पे पुरुष तो एक नजर नहीं आ रहे हो, यहां सबरी स्त्री स्त्री है का अमंगल स्त्रीन पे ही भयो है। तुमरे ब्रज में नित ही मंगल कछु हम ही नाई सुहावत है, तेरे बांसुरी की धुन सुन सुन के मेरो जिया अति ललचावत है। महाराज आपके ब्रज में तो सदा ही मंगल है, जब त्या पायो ब्रज में आनंद ही आनंद है, पर सांची बात यह है कि तुम्हारे ब्रज में जब जब ये तुम्हारी बांसुरी बजे दुनिया को मंगल और हमारो अमंगल प्रारंभ है जाए। क्यों? बोले जब ये बांसुरी बजे तो घर में मन नहीं लगे हमारा। कन्हैया ने बहुत अच्छा उपदेश दिया गोपियों को, आपको दे दें कि नहीं? क्यों दूं? मैं कथा करने आया हूं, उपदेश करने थोड़ी आया, और क्यों तुम्हें दूं जब तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? दूं कि नहीं? दे देता हूं। कितना सुंदर उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं हे गोपियों, अगर स्त्री शादीशुदा है तो उसके लिए तो पति ही सब कुछ है, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना गोपियों। एक ब्राह्मणी थी, अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन पति कहीं से हारे थके आए और पत्नी की जंगा पर सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी। आजकल की पत्नी दबाती हैं क्या सर? सर दबाती हैं कि सर से 2 इंच? पेपर में सुनने को मिलता है, न्यूज में सुनने को मिलता है, बड़ा अचरज होता है कितना बदल गया है हिंदुस्तान। पति बात न माने तो पति को छोड़ दो, और ज्यादा ही एडे केड़े करे तो गोविंदाय नमो नमा भी करवा दो है। क्या हिंदुस्तान, छोड़िए सुनिए। पति अपने पत्नी की जंगा पे सर रख के सो गए और पत्नी उनका सर दबा रही है। पति रोज यज्ञ किया करते थे, वहां यज्ञ कुंड बना हुआ था। उस यज्ञ कुंड में अग्नि अभी भी जल रही थी। उनका एक छोटा सा बच्चा था, अबोध बच्चा, 3-4 साल का, 2-3 साल का घुटमुन चल रहा था। घुटमुन के बल चलते चलते वो बच्चा अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लगा। वो स्त्री देख रही है, पति सोए हुए हैं। स्त्री को लगा अगर मैं इस बच्चे को बचाने जाती हूं तो मेरे पति का सर जो मेरी जंगा पे रखा हुआ है वो हटाना पड़ेगा, और अगर हटाया तो इससे मेरी पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और अगर पति की निद्रा भंग हो गई तो इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एकदम मन लगाकर सुनना मेरे भाई बहन, ये हिंदुस्तान की पतिव्रता स्त्रियों की गाथा है। इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं भारत माता कहा जाता है, क्योंकि भारत माता की भूमि पर हमारी माताओं का बड़ा सदित्व यहाँ पर जिंदा है, तभी भगवान यहाँ पर बार बार माँ बनाने के लिए आते हैं अपने भारत की माँ को। हिंदुस्तान नहीं भारत बड़ा माता, भारत महान है।
और इसकी महानता हमारे भारत की माता बहनों से है। भाइयों ने तो ऐसे कोई खास काम नहीं किए, ये तो बेचारे सिर्फ, चलो ये भी महान है, लेकिन माताएं महान है, जैसे इन्होंने इन जैसे अच्छे अच्छे सपूतों को पैदा किया है। भारत माता की सपूत जो कोख होती है ना, वो बड़ी सुंदर है, तभी ऐसे सपूत पैदा होते हैं। वो स्त्री सोच रही है, अगर मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और अगर मैं नहीं उठी तो मेरा बच्चा अग्नि में गिरेगा और जल जाएगा, हो सकता है प्राणांत भी हो जाए। वो धर्म संकट में पड़ गई, पति धर्म बचाऊं कि बच्चे को, आपको बताओ, आप बताइए क्या करना चाहिए, उसे बच्चा बचाना चाहिए कि अपना धर्म? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। पतिव्रत धर्म बचाए कि बच्चा? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जो जो बच्चा चाहते वो हाथ उठाए कि हाँ हम चाहते बच्चा बचना चाहिए, ऊपर करो, और ऊपर करो ना, शर्मा क्यों रहे हो, एक एक ही कर लो। हाँ वेरी गुड, और इधर सोफे वालों, बच्चा के बच्चा ना, धर्म कौन कौन चाहता है धर्म बचे? चलो नीचे करो, कौन कौन कह रहे हो बच्चा? अगर बेटा धर्मी भयो तो वह बच्चा कब ते छाती पे दार दरे को बाप बच्चा का करेंगे, धर्म बच्चे को तो तमाम बच्चा आ जाएंगे। पर ना, मैं तो स्वार्थी हूं, तो चिता में जराए बारो बेटा चाहिए, स्वार्थी जो ठहरे हम। अब सुनो हमारी बात, उसने क्या, अब मेरे हाथ की बात थोड़ी है, मेरी कथा थोड़ी बदल जाएगी, जो हुई थी वही बताऊंगा। उसका मेंटली लेवल आपसे महान होगा शायद या कम होगा, उसने जो डिसीजन लिया वो मैं आपको बता रहा हूं। उस स्त्री ने कहा, चाहे मेरा बच्चा अग्नि में जले जल जाए, मरे मर जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को भंग नहीं होने दूंगी, नष्ट नहीं होने दूंगी। क्यों? बच्चा कर्म है और पति धर्म है। अगर कर्म छूट गया तो दोबारा बन सकता है, पर धर्म छूट गया तो दोबारा धर्मात्मा नहीं बना जा सकता। अब जिनने हमेशा न्यूटन की गड्डी गिनी हो, वो धर्म के विषय में कहा जाने, उनने कहा पतो कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बहू बेच दी काशी में जाए के सिर्फ धर्म के पीछे, छोरा बेच दियो अपने धर्म के पीछे, अपने आप को बिकवा दियो धर्म के पीछे, राम वन को चले गए धर्म के पीछे, सीता जी को हरण है को धर्म के पीछे, इनने तो अपनी मोह छुनाएं बनवाई अभी तक धर्म के पीछे, तो इनने का फर्क पड़ रहा है? ये धर्म है, मैं किसी एक से नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ, जो धर्म की गहराई को नहीं जानते हैं उनको बच्चा ही चाहिए, और इसीलिए हमारा धर्म पीछे रह गया, क्योंकि हमारी फैमिली पहले, धर्म धर्म तो है ही नहीं, पहले फैमिली, फिर बिजनेस, फिर रिलेटिव्स, फिर फ्रेंड सर्कल, फिर ये दुनिया आओ भाव, उसके बाद कभी एक आध मिनट बची तो देखेंगे धर्म करेंगे, मर थोड़ी गए, धर्म तो कर ही लेंगे। नहीं, ऐसी मार पड़ेगी नरक में जाके, ऐसी मार पड़ेगी, सबरी नस एक एक है जाएंगी, हल जाएंगी, बुलेट प्रूफ। बच्चा अग्नि में गिर गया, देवी ने निर्णय किया और इतने में बच्चा अग्नि में गिर गया, लेकिन उस स्त्री की आंख में एक आंसू नहीं, उस देवी की आंख में एक आंसू नहीं बजे। भाई साहब, जिस पे 10 लाख रुपए हों वो 10,000 दान कर दे तो बड़ी बात नहीं है, जिस पे 10,000 नहीं है अगर वो 1,000 दान कर दे तो ये उससे कई गुना बड़ी बात है, कई गुना। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए जाए। तुम कितने धैर्यवान हो, तुम कितने धर्मात्मा हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कितनी सगी है, तुम्हारा मित्र तुम्हारा कितना अपना है, ये बुरे वक्त में पता चलता है। बुरे वक्त में ये इनमें से कोई भी छूट जाए, इसका मतलब है वो तुम वैसे नहीं हो। मेरे घर में रोटी नहीं है,
और मेरे द्वार पर आए हुए, तीन दिन बाद मुझे रोटी मिले, वो भी चार रोटी मिले, वो भी मांगने वाला आ जाए, तो बताओ हम खाएंगे कि वो मांगने वाले को देंगे? हाँ जी बोलो, हम खाएंगे कि तीन दिन बाद ये उस मांगने वाले को दे देंगे? तू चूल्हे में न चले जाए, तू दे दे, तीन दिन मर रहे भूखे हम, तू दे दें, कहेंगे कि नहीं बोलो? लेकिन धर्म क्या कहता है, चौथे दिन भी भूखे रह लो लेकिन मांगने वाले को दे दो। जब मांगने वाले को तुम दे दोगे तो ठाकुर जी फिर तुम्हें आगे कभी भूखा नहीं रहने देगा। पर आज के लोगों के विषय में ये कथा कहना या ये इतनी धर्म की बातें बताना तो फिर ऐसा लगेगा कि पंडित जी जोक कर रहे हैं। जोक आजकल कहीं होता है ऐसा? मजाक क्यों करते हो? सुनो, मजाक नहीं करते हैं। व्रत व्रत का फल देता है। जब इस स्त्री ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, चाहे जो हो जाए हो जान दे, हम अपने पति धर्म को निभाएंगे, तो जानते हो क्या हुआ? जैसे ही ये बच्चा अग्नि में गिरा, अग्निदेव कांपने लगे, डर गए अग्निदेव, इतने भयभीत हो गए अग्निदेव कि अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो इसकी माँ इतनी पतिव्रता है कि अग्नि को भी भस्म करने की क्षमता इस स्त्री में मौजूद है। कांप रहे, मैं करूं क्या, जल्दी करो, क्या करूं? इतने में उन्होंने झट से एक अपना निर्णय लिया। अग्नि का स्वभाव है, चाहे उसमें चंदन गिर जाए, चाहे लकड़ी गिर जाए, चाहे मलमूत्र गिर जाए, चाहे तेरा हाथ गिर जाए, अग्नि का स्वभाव क्या है? सब स्वाहा, यही ना, जला के सब राख, यही ना। वो छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, नीच नूच कुछ नहीं देखता। जो अग्नि में गिर गया वो सब स्वाहा। लेकिन यहाँ अग्नि ने स्वभाव बदल लिया। अग्निदेव ने देखा कि ये सती का पुत्र है और ये देवी बड़ी पतिव्रता है। उस अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदला और उस बच्चे के लिए ठंडे चंदन की तरह, जैसे चंदन की कीच होती है शीतल ठंडी ठंडी, वैसा वो अग्नि कुंड बन गया और बच्चा उसमें से खेलता हुआ इसलिए कृष्ण कहते हैं, देवियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो जाके, क्योंकि पतिव्रत धर्म में बड़ा बल है, धर्म में बड़ा बल है। अब बताओ, बच्चा बचाने वालों, बच्चों में बल है कि धर्म में बल है? बोलिए। मैं इंग्लैंड में कथा कर रहा था ऐसे ही एक बार, और जब ये प्रश्न मैंने जो अभी यहाँ कर दिया, वही प्रश्न मैंने वहीं कर दिया। मैंने प्रश्न भी नहीं किया था, सॉरी। वहाँ पढ़े लिखे एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर साहब। अब वहाँ विदेश में तो सब पढ़े लिखे हैं, हमारी तरह कोई मूर्ख तो है ना, अनपढ़, वहाँ सब पढ़े लिखे। तो मेरे को बोले, पता है क्या महाराज जी, ये बात गलत है, बच्चे को बचाना चाहिए। अब पति की सेवा क्या है? पति तो पति है, हस्बैंड है, कोई बात नहीं, पति की सेवा तो बाद में भी कर लेगी, पहले बच्चे को बचाना चाहिए। मैंने कहा, आप इंग्लैंड में पैदा हुए हो इसलिए कह रहे हो, हिंदुस्तान में पैदा होते तो तुम्हें पता चलता धर्म की कितनी वैल्यू होती है महाराज। गोपी बोली, महाराज एक बात पूछें, आपने तो हमें इतना अच्छा दृष्टांत दे दियो, जाके पति की सेवा करो, एक इच्छा हमारे मन में आ रही है, जवाब आप दे दो। बोले, कहा एक मट्टी को पति हो और एक असली पति हो, पूजा असली पति की करे कि मिट्टी के पति की? कितना सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं, मिट्टी के पति की पूजा करे या असली पति की? अरे बोले, जब तक सच्चा पति ना आवे तब तक मिट्टी के पति की पूजा करे, और जब सच्चा पति मिल जाए तो फिर मिट्टी के पति को रखे साइड में और सच्चे पति की सेवा करे। गोपियां ताली बजाकर मुस्कुराने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, आज इच्छाएं जो मन में थी वो बात पूरी होने जा रही हो। कन्हैया ने पूछा, क्यों क्या हुआ? बोले, महाराज आनंद आ गया आपका जवाब सुन के। क्यों? बोले, आपने कहा मिट्टी का पति की पूजा तब तक करो जब तक सच्चा पति न मिले, और जब सच्चा पति आ जाए तो मिट्टी के पति को साइड में रख दे और सारी सेवा सच्चे पति की करे। तो सुनिए सरकार, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की सेवा करते रहें, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो अब इन मिट्टी के पतियों को साइड में रख दिया है, हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सच्चे पति हो। सच्चा पति कौन है? कौन है?
ये जो मिट्टी का पति होता है ना, मिट्टी का, ये सिर्फ एक स्त्री का पति होता है, हाँ, और कोई कोई कम का दो दो तीन तीन का भी हो जाता है, लेकिन पांच पत्नी से ज्यादा कोई है, हो सकता है पति, दस से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कृष्ण किसका पति है? वो पांच दस का नहीं है, वो 16108 का नहीं है। इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब का पति है, और सिर्फ जीवात्माओं की जो जड़ है वो ही नहीं, चैतन्य जड़ चैतन्य वो सब का पति है, इसीलिए लोग उसे कहते हैं वो जगतपति है। कौन सा पति है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो जितनी भी देवियां बैठी हैं तुम्हारे पास, जो अभी बैठे हुए हैं, वो मिट्टी का पति है, और असली पति कौन है? जोर से बोलिए, असली पति से मिलना है कि नहीं? पुरुषों का भी वही पति है। ये जितने भी पुरुष बैठे हैं पेंट और शर्ट पहन के, जींस पहन के, और बड़ी बड़ी शानो शौकत में, आप सुनिए, आपका भी पति वही है। अब एक बात मैं पुरुषों से पूछ रहा हूं, जितने भी पुरुष यहां बैठे हैं, तुम पुरुष हो कि स्त्री? जवाब दीजिए, पुरुष हो कि स्त्री? आप और बाकी के जवाब दीजिए, कौन पुरुष कौन है? आप पुरुष हैं, खड़े होइए, चले खड़े हो जाइए, आप खड़े रहना जब तक हम आपका पुरुषत्व साबित न करें, खड़े रहिए, आज हम आपको देखें आप पुरुष है कि स्त्री है, अभी देखते हैं, अभी सबको पता चल जाएगा। आप इधर देखते रहिए, आप उधर क्यों देख रहे हैं? हमें सुनते रहिए आप, जब तक धर्म को जानोगे नहीं, धर्म में विश्वास नहीं होगा मेरे भाई बहन, इसलिए पहले धर्म को जानो। हमारे मुसलमान भाई अच्छे हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई अच्छे हैं, वो बचपन से अपने बच्चों को धर्म जना देते हैं, और हम लोग इतने निकम्मे हैं, सिर्फ बच्चों को कमाना सिखाते, धर्म के विषय में कुछ नहीं बताते, इसलिए हमारे बच्चों को पहले धर्म नहीं चाहिए। अभी खड़े रहना सर, आप बोलिए, जितने भी पुरुष इधर बैठे, आप पुरुष है कि स्त्री? जोर से बोलिए। अबे भाई तुम बोल दो, इनको तो शर्म आ रही है आगे वालों को, सब पुरुष हैं, जो जो पुरुष हैं हाथ उठाइए। हाँ वहां भी कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं, राइट ना, चलो नीचे करो। सर जी पुरुष क्या है आपका? ये हाथ जो आपने बांध रखे ये पुरुष है? जवाब देते जाइए, ये हाथ पुरुष है, ये नाक पुरुष है, ये कान पुरुष है, ये पैर पुरुष है, पुरुष क्या है? आपका पुरुषत्व पुरुष है। अच्छा, अगर जिसके ऊपर आप पुरुषत्व कह रहे हैं वो चला जाए तो नथिंग, पक्का फाइनल। तो जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं वो क्या है? जो आपको बुलवा रहा है वो क्या है? परम सत्ता नहीं बुलवा रही है फिलहाल, जो तुम्हारे अंदर उस परम सत्ता ने आत्मा सेट की है, जिस जीव के चले जाने पर वो समाप्त हो जाता है, नहीं ना, यही बात है। जिस जीव के ऊपर आप कह रहे मैं पुरुष हूं, जो ये हिम्मत दे रहा है, जो हमें बोलने की शक्ति दे रहा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब ध्यान से सुनिए, तुम्हें जो बोलने की हिम्मत दे रहा है, तुमने जिसने कहा कि मैं पुरुष हूं, आज जिसके बल पे आप इतना बोल पाए, वो तुम्हारा जीव, जीव मीन्स तुम्हारी आत्मा, आत्मा कितनी बड़ी है पता नहीं, सरसों के हजार गुना कम दाना कर दो उतनी बड़ी तुम्हारी आत्मा, वही हाथी में, वही चेंटी में, वही सब में, ठीक है। अब बताइए आत्मा होती है कि होता है? जवाब दीजिए। आप नहीं सर, होती है आत्मा? होती है कि होता है? फिर सोच लीजिए, होती है कि होता है आत्मा? होती है कि होता है? तो फिर आप होता कैसे हो सकते हैं? आप होता नहीं हो सकते हैं,
होता सिर्फ संसार में एक है जिसका नाम है ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक होता है बाकी सब होती हैं, क्योंकि हम सबके अंदर का जो रस है, जो सार है, वो आत्मा है। आत्मा स्त्री तत्व है, पुरुष सिर्फ परमात्मा है, इसलिए वो हमारा पति है और हम सब उसकी पत्नियां हैं। अब आप कहेंगे मेरी मोचे हैं, आप कहेंगे हमारी मोचे हैं, हमें पुरुषत्व मौजूद है, ये तो सिर्फ चंद टाइम के लिए है माय डियर। मूवी देखते हैं, देखिए हैं कई लड़कियां मूछ मूछ लगा के और पगड़ी बगड़ी पहन के पुरुष का रोल करती हैं कि नहीं। वी आर लाइक दैट सेम। भगवान इस मूवी का डायरेक्टर है और ये इस विश्व में बहुत बड़ी मूवी बन रही है, और तुम्हें उस मूवी में कौन सा किरदार मिला है ये थोड़े समय के लिए, 10, 20, 25, 50 सालों के लिए है, इसके बाद तो न जाने से पहले कितनी बार स्त्री बने हो, कितनी बार पुरुष बने हो, कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सिट डाउन, यूर हैव योर नाइस सीट। अब बताइए कौन कौन कहे थे पुरुष है, आत्मा होती है कि होता है, और होती है तो इसका मतलब उसके लिए कोई होता भी चाहिए, राइट ना। होती पत्नी होती है और होता पति होता है। संसार में जितने भी जीव हैं वो होती हैं, और उन सबका जो मालिक है, उन सबका जो पति है वो परमात्मा है, वो होता है, इसलिए उनको कहा जाता है वो जगतपति है। क्या कहा जाता है, जोर से बोलिए। वो सिर्फ अपनी पत्नियों का ही पति नहीं है, वो सिर्फ गोपियों का ही पति प्रेमी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ जो कथा पंडाल में आए उन्हीं का पति नहीं है। इस देश में, इस विश्व में जितने भी पक्षी, जितने भी पशु, जितने भी जड़ चैतन्य, जितना भी सब कुछ दिख रहा है, उन सब का पति सिर्फ परमात्मा है मेरे भाई बहन, बाकी सब पत्नियां। आप तो नकल पे चले गए, मेरे मूछे हैं, मेरे या है, मेरे मैं पति बनाऊं, ये तो भगवान ने रोल दिया है थोड़े दिन के लिए, इससे पहले हम कितनी बार स्त्री बने कोई मालूम नहीं। गोपियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचाना है, ना कि साधारण पुरुष के रूप में। और जब भगवान के रूप में गोपियों ने पहचान लिया तो भगवान ने भी उन्हें स्वीकार किया और रास होने लगा, लेकिन रास में गोपियों को अभिमान हो गया, और जब गोपियों को अभिमान हुआ तो श्री कृष्ण उन गोपियों को त्याग करके चले गए, गोपियों को छोड़ के चले गए। यहां पर पुनः एक बात मैं आपको याद दिला दूं, भगवान को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। जो जीव अभिमान करता है भगवान उनका परित्याग कर देते हैं। तो जिन भगवान ने गोपियों का परित्याग कर दिया हो तो तुम कौन से खेत की है। आइए सर ढकिए और सर ढककर गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। जितने भी लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं और सर ढक लें। गोपी गीत श्रवण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। सर जरूर ढक लेंगे सब, और कोई भी बोलेगा नहीं, सिर्फ श्रवण करेंगे। अपने आप को गोपी समझिए। Oh, yeah.
जयति ते दिकं जन्मना व्रज श्रयतेन्द्रः शाश्वतत्रहि। ब्रज की गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है, इस ब्रज में मंगल ही मंगल है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इस ब्रज में स्वयं प्रकट होकर आ गई हो, और यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। परंतु हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे ही कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए हैं, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विश्व जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेदुतान लात वृषभ यात्मजात विश्व तो भय दृशवते वयम रक्षिता मऊ। आप ही तो हैं जिन्होंने हमें उस काली नाग के विष से बचाया था, आप ही तो हैं जिन्होंने हमें देवराज इंद्र के क्रोध से बचाया था। कंस के तमाम आतताई पापी ब्रज में आते रहे, लेकिन आप ही हैं जिन्होंने हमें उन पापियों से, उन दुष्टों से, उन राक्षसों से हमें बचाया है। आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, आप हमारी इतनी परवाह करते हैं, पर प्रभु आप हमें ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप हमें छोड़ के मत जाइए, क्योंकि हम आपके बगैर रह नहीं सकते। हे मधुसूदन, आप ये याद रखिए, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, हमें आपसे बदले में कोई मोल नहीं चाहिए, हम आपकी दासी हैं। और अपने दासों को इस तरह से ठुकराना, भुला देना, छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? आपसे तो आपकी कथा अच्छी है, कम से कम मन को सुख तो देती है। आपके विरह में जो तड़पते रहते हैं, जो बिलखते रहते हैं, आपकी कथा उनके जीने का अविलंब बन जाती है। आपकी कथा श्रवण मंगलम श्री मदादतम, श्रवण मात्र से मंगल है। मानव जीवन पाने के बाद वो लोग अभागे हैं जो भगवान की कथा नहीं सुन पाते, और वो साधुवाद के पात्र हैं जिनको कथा प्राप्त हो जाती है। एक बात बताएं, आप कितना दान करते होगे? 10-20-25-50 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन एक बात बताइए, एक घर का व्यक्ति, एक बच्चा अगर सुधर जाए तो उसकी क्या कीमत हो सकती है, बताइए, जवाब दीजिए। आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हो, इसके बावजूद भी वो उसे जॉब मिलेगी कि नहीं, पास होगा कि नहीं, नहीं पता। परंतु ये आध्यात्मिक जो क्लास है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जो जगह जगह पर वितरण किया जा रहा है, जिसकी अमृत वर्षा की जा रही है, इतने हजारों हजार लोग यहाँ पर कथा आकर सुनते हैं, बताइए इस कथा की क्या कीमत हो सकती है? बोलिए, आपका बच्चा एजी केजी क्लास में जाता है, महीने की कितनी फीस लेते हो, कितना देते हो आप लोग महीने का बच्चे का? 500-1000 रुपए तो देते ही होगे, इंग्लिश मीडियम में देते हो। एक साल में क्या सीख के आता है? ए फॉर एप्पल। एक साल में दिए 12,000 रुपए, जैसा गया कहीं तो वो भी नहीं सीख के आते। और यहाँ 7 दिन में आप जीवन और मरण की बातें सीख जाते हो, यहाँ 7 दिन में आप परमात्मा और प्रभु के और अपने बीच के सारे संबंध जान जाते हो, इस कथा की कोई क्या कीमत दे सकता है? है किसी के पास इसकी कीमत? किसी के पास नहीं है। कथा अनमोल है, इस कथा की एक ही कीमत है कि आप अपने जीवन में इसको धारण कर लें। जब आप इसे अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो इस कथा का मोल आपको तार देता है, आपका कल्याण कर देता है। इसलिए ये कथा अनमोल है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की कथा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रयास किया कामदेव को परास्त करने के लिए, जब ये महाराज हो रहा था, गोपियों के साथ में श्री कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे, गोपी गीत के बाद श्री कृष्ण मिले, गोपियों के मनोभाव को पूर्ण कर रहे थे, उसी समय कामदेव आए। और जब कामदेव आए तो कामदेव ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कृष्ण के ऊपर किया, लेकिन जब कृष्ण की उन अद्भुत छटाओं को देखा, अद्भुत उन दृश्यों को देखा, उनकी सुंदर
उस मुखारविंद को देखा। कामदेव कहते हैं आपके ऊपर एक कामदेव तो क्या, करोड़ों करोड़ों कामदेव न्योछावर भी कर दिए जाएं तो भी आपकी सुंदरता की बराबरी नहीं हो सकती मेरे प्रभु, तो भी नहीं हो सकते। कामदेव परास्त हो गए, मूर्छित हो गए। रति आई, रति ने कहा प्रभु मेरे पति को मुझे वापस दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं अभी तो तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं द्वारका में जाऊंगा तो यही तुम्हारा पति मेरा पुत्र आकर बनेगा और तुम ही को इसको पालन पोषण भी करना होगा, अपने पति का पालन पोषण तुम ही को करना होगा। ये पहली पत्नी है जिसने अपने पति को गोद में खिलाया है, ये पहली पत्नी है जिसने अपने पति को शिक्षा दी है। यही कामदेव द्वारका में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आकर बने। और ये पूरी कथा अगर ठाकुर जी ने कृपा करी तो कल सुनाएंगे। महाराज के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं ब्रज में करी हैं। एक समय वो भी आया जब कृष्ण की आयु 11 वर्ष 56 दिन की हुई, और जब 11 वर्ष 56 दिन की श्री कृष्ण की आयु हुई तो मथुरा से कंस के दूत अक्रूर आते हैं कृष्ण को ले जाने के लिए। थोड़ा विरह का प्रसंग है, ब्रजवासी कहते हैं लाला हमारे प्राण ले जा पर तू हमें छोड़ के मत जावे, हे कृष्ण तू हमें छोड़े मत, क्योंकि अगर तैने छोड़ दियो तो फिर हम कौन के रहेंगे, तेरे बिना ये घर परिवार ये पूरा गांव ये ब्रज ये आनंद ये उत्सव सब समाप्त है जाएगो, तेरे ही रहवे ते ये उत्सव है, तेरे ही रहवे ते ये सब आनंद है, छोड़ के मत जावे। अक्रूर ते मैया यशोदा कहवे लगी चोरे अक्रूर तू आयो ही क्यों है यहाँ हमारे यहाँ, का तू हमारे प्राणन को लेवे के लिए आयो है, ना मेरो कन्हैया तेरे संग नहीं जाएगो चाहे कछु है जाए। मैया कृष्ण को बुला रही है और कृष्ण आज उदास है के बैठे हैं, मैया से थोड़ी दूर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं। मैया बुला रही लाला इतकुआ, अरे ओ लाला इतकुआ, अरे अक्रूर ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी तोए जो आज तुम होते दूर बैठे हो है, और दिन आवे हो गैया चराए के दौड़ो दौड़ो आवे हो, मैया मुझे भूख लग रही है माखन दे दे माखन दे दे, और आज तू इतनी दूर बैठ गए हो, कहा क्रूर ने ऐसी कहा पट्टी पढ़ा दे, आज तू हम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हमें तू जाने नहीं है। लाला ने कि मेरे जोरे तो आ, ने कि मेरे जोरे तो आ, बेटा मेरे पास आ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और अपनी मैया के हृदय लग गए और फूट फूट के मैया यशोदा रोवे लगी, लाला तुम छोड़ के मत जाइयो, ये अक्रूर तो बड़ो क्रूर है, याकी बातन में मत आइयो, ये तो कंस को दूत है, देख तू कहूँ नहीं जाएगो, मैं कह रही हूँ तू कहीं कहूँ नहीं जाएगो, क्योंकि तू मेरो लाला है तो कु मेरे संग रहना है मेरे पास, अरे तेरे बिना मैं जीवित कैसे रहूँगी, तेरे बिना तेरो बाबा कैसे जीवित रहेगो, तू नहीं जावेगो तू नहीं जावेगो। कन्हैया आज उदास इसलिए हैं क्योंकि कन्हैया को भी पता है इतना प्रेम इतना स्नेह मथुरा में मिलने वाला नहीं, ये वो माँ है जिसने सारी रात जाग जाग के मेरी सेवा करी है, मेरा ध्यान दिया है, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। आज माँ की आंखों में आंसू मेरी वजह से हैं, ये सोच कन्हैया भी उदास हो गए और उदास चित होकर मैया से कहने लगे, माँ एक बात कहें, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जानती हो एक वृक्ष पर जब शाम होने वाली होती है तमाम पक्षी आकर बैठ जाते हैं, उनमें न कोई किसी का मित्र होता है न कोई किसी का शत्रु होता है, लेकिन उसमें एक लक्ष्य होता है सारी रात्रि भर उस वृक्ष पर गुजारनी है। ठीक वैसे ही माँ इस संसार में सारे रिश्तेदार हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, जब तक जीवन है तब तक रिश्ते निभाते हैं, पर जब ये जीवन चला जाता है
तो सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, पूछता कोई नहीं है सम्मा बुझ जाने के बाद, पूछता कोई नहीं है सम्मा बुझ जाने के बाद, कौन याद करता है। अरे कन्हैया तेने तो बड़ी जल्दी कह दे, कृष्ण चले गए, ब्रजवासी रो रहे हैं, सर्वेश्वरी श्री राधा ब्रज की गोपियां सब रो रही हैं और कह रहे हैं अरे ओ कृष्ण, थोड़ा आप भी गुनगुनाइए, आप भी कृष्ण की याद करिए, आप भी सोचिए हम भी कृष्ण की गोपियां हैं, हम भी ब्रजवासी हैं। और सच्चाई तो यह है कि अभी तक हमारा इतना जीवन बीत गया, अभी तक कृष्ण नहीं आए हमारे जीवन में, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। जिसका दिया हुआ ये पूरा जीवन हम उसी को भुला बैठे हैं और लोगों की सेवा में लग गए हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा गुनगुना लीजिए आप भी। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, सांसों में बस गई है, सांसों में बस तट पे जाऊं, बैठूं कदम की छैया, यमुना के तट पे जाऊं, बैठूं कदम की छैया, रो रो पुकारू हरदम, कब आओगे आके
सांसों में बस गई, सारा दुखी होता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन वो भगवान है, उसे अपना कार्य करने जाना ही है। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने बड़ी लीला करी। सबसे पहले उग्रसेन और देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। उग्रसेन जी ने कहा, हे कृष्ण, ये मथुरा का राज्य तो आपका है, मेरा नहीं। आपने कंस को मारा है, मुझसे तो कंस ने छीन लिया, अब ये राज्य आपका है, ये राज्य आप करिए। तब श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाना जी, हम आपसे सच कहते हैं, हमने मामा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि हम राज्य करना चाहते हैं। हमने मामा को इसलिए मारा क्योंकि मामा आतताई पापी था। मामा ने मेरी माँ को बंदी बनाया, मेरी माँ को कष्ट दिया, पिता को कष्ट दिया, मेरे नाना को बंदी बना लिया, उनका राज्य छीन लिया। ऐसा दुष्ट बेटा होकर भी क्या फायदा, जो धर्म को नष्ट कर दे। इसलिए हमने कंस को मारा है, हमने राज्य करने के लिए कंस को नहीं मारा है। अग्रसेन जी के नेत्रों में जल सजल हो गया, उनके नैन भर आए और कहने लगे, मेरा न जाने कौन सा पाप था जिसकी वजह से कंस जैसा दुष्ट पैदा हुआ, पर मेरा भाग्य बहुत अच्छा है जिसे मुझे आप जैसा देवता मिला, कृष्ण जैसा देवता मिला, मेरा अच्छा कर्म रहा होगा। और मथुरा का राज्य श्री कृष्ण को उग्रसेन जी को दे दिया श्री कृष्ण ने। उद्धव प्रसंग भी आता है बीच में, ब्रजवासी ब्रज से मथुरा नहीं आते और मथुरा से आज तक कृष्ण लौट कर गए नहीं, इसलिए सब ब्रजवासी इंतजार करते हैं कि तुम्हें जब याद आए तो तुम ही आना, हम नहीं आएंगे। यहां प्रेम की बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल है मेरे भाई बहन। आजकल प्रेम प्रेम नहीं रहा, आजकल प्रेम तो स्वार्थ हो गया है। कोई पूछे उन ब्रज की गोपियों से कि तुम जाती क्यों नहीं हो, मथुरा कोई ज्यादा दूर तो नहीं है बरसाने से, नंदगांव से, वृंदावन से ज्यादा दूर तो नहीं है। तब वो जवाब देती है, कहीं ऐसा न हो हमारे प्रेम की वजह से, हमारी वजह से हमारा प्रियतम कुछ हल्का फील करे। वहां के लोग कहीं ये ना कह दे, ये कैसा राजा है जो ऐसे लोगों के बीच में रहा, ग्वारिया गमारों के बीच में रहा, इससे हमारे कृष्ण का, हमारे प्रियतम का अपमान होगा, उनको निराशा देखनी पड़ेगी। तो हमारी वजह से अगर कृष्ण को ये देखना पड़े तो हम जाए क्यों, हम नहीं जाएंगे। सच्चा प्रेम उसी को कहते हैं, प्रेमी यही कहता है, तुम जहां भी रहो बस आनंद में रहो, खुश रहो, अगर तुम खुश हो तो तुम्हें आनंद में देख देख कर हम वैसे ही जी लेंगे। कौन कहता है कि जीना तेरे साथ होता है, कौन कहता है जीना तेरे साथ होता है, तेरी यादों में जीना भी एक अलग आम बात होता है। तेरी यादों में जीना क्या तुझसे कम जीने के बराबर है, तेरी याद भी तो इसी तरीके से है। और वैसे भी साहब, तुम आते हो तो टेंशन लगी रहती है जाने की, कब जाओगे। जितना तुमसे मिलने में आनंद है उससे ज्यादा टेंशन इस बात की कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, लेकिन तेरी यादों के साथ तो ये टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये याद तुमसे बढ़िया है, तुम छोड़ के जाते हो, तुम्हारी यादें छोड़ के नहीं जाते मेरे भाई बहन। तब उद्धव को भेजते हैं, जाके संदेश दो। उद्धव जाके मैया यशोदा को उपदेश देते हैं, मैया सिखा देते तेरे ब्रह्म की कमी है,
अगर वो कृष्ण ब्रह्म है। उद्धव मैया यशोदा से कहते हैं, माँ जिनके विरह में तुम रो रही हो, कहती हो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो बेटा नहीं है, वो बाप है सबका, वो ब्रह्म है। ब्रह्म आया लीला करने के लिए और लीला करके चला गया, और आप उसे अपना बेटा बेटा मानती रहो तो जिंदगी भर दुख कम होने वाला नहीं। यशोदा मैया कहती है, एक बात बताओ तो, इसमें तेरे ब्रह्म की कमी है कि मेरी? अरे तेरा ब्रह्म, तेरा कृष्ण ही तो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म थोड़ी हूं। तेरे ब्रह्म का काम है आना, लीला करना और जाना, लेकिन माँ का काम नहीं है कि उसको भूल जाना, अपने बेटे को भूल जाना। मैं माँ हूं, माँ जिसने अपने आंचल का दूध पिलाया तेरे ब्रह्म को। और अगर तेरा ब्रह्म नहीं जानता है तो उस ब्रह्म से जाके कहना कि एक बार माँ बन के देख, इस धरती पे बेटा बन के आना आसान है, लेकिन एक बार माँ बन के आए तो पता चलेगा कि प्रेम किसे कहते हैं। कहना अपने ब्रह्म से जाके। और तू कहता है मैं भूल जाऊं? हाँ हाँ, मैंने कोशिश की है, उसे भूलने की भी कोशिश की है मैंने, पर जानता है क्या करता है वो? जब जब मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूं ना, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैया जादना ते ब्रिजते गए हूं, मैंने पेट भर के माखन नहीं खाया, मैं भूखा हूं मैया, मैया मुझे भूख लग रही है। और रो पड़ता है, तू एक बात बता, मेरा बच्चा भूखा हो, माँ चैन से बैठी। अरे देव की अगर माखन खिला नहीं सकती तो लेके क्यों गई उसे? कोशिश की है उसे भूलने की, बहुत कोशिश की है, लेकिन वो सामने खड़ा हो जाता है। और आश्चर्य हुआ, माँ ये बात कह ही रही थी, इतने में सामने कृष्ण खड़े हो गए माँ के। उद्धव देख रहा है कृष्ण खड़ा है, और कृष्ण कह रहे, माँ को मैया यशोदा मेरी माँ, देख तेरो लाला भूखो है, देख तेरे लाला है भूख लग रही है, जादना ते मथुरा गए हूँ, पेट भर के माखन नहीं खायो, तेरे माखन में जो स्वाद है वो और काओ में नहीं, मैया कृपा कर अपने लाला को माखन खवा दे। मैया दौड़ी पागलन की तरह भंडार घर में दौड़ी, जो आज सद माखन निकारे वाकु लेके आई। कृष्ण मैया की गोद में बैठ गए और मैया के हाथ से माखन खा रहे, रोते जा रहे, मैया भी रो रही है, लाला भी रो रहे, दोनों रो रहे। तो इतनी भूख लगे तो माँ माखन ना मिले तो काय को जावे माँ, काय को रहे माँ, अपनी बूढ़ी माँ के पास आ। इतने में कृष्ण अदृश्य हो गए, फिर कुछ नहीं था, चले गए, दूर चले गए। उद्धव माँ के चरणों में गिर पड़े, माँ तू अकेले कृष्ण की माँ नहीं है, तू पूरे ब्रह्मांड की माँ है। जिसने ब्रह्म को इतना अपना बना लिया हो, उसे हर जगह से दौड़ के आना पड़ता हो, मैं तो बहुत छोटा रह गया, मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना। उद्धव के सामने माँ रोती है, रात में जाती हूं उस पलंग को देखने, हुआ कृष्ण नहीं रहा, पलंग सूना है, पहले वहां कृष्ण सोता था, कितना आनंद आता था, रात में कई कई बार जाती थी उस पलंग को देखने, मेरे कृष्ण सो रहा है, आज वो पलंग सूना है। 9 लाख गैया दूध देती थी उस समय, आज 9 गैया दूध देती है।
गोपियों के पास उद्धव गए। वहां जाके ज्ञान का उपदेश देने लगे, लेकिन गोपियां कहती हैं उद्धव प्रीत कर काउ सुख न लयो, प्रीत पतंग करी दीपक सो अपनो तन जो दयो, रे उधो प्रीत कर काहो सुख न लयो। हम जो प्रीत करी माधव सो चलत न कछु कहो, सारंग प्रीत करी नाद सो सनमुख बाण सजो। उधो सच बात यह है कि संसार में कोई भी किसी से प्रीत कर ले उसे सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। हमने उसे प्रीत की, वो हमें छोड़ के चला गया, वो उसकी मर्जी, लेकिन हमारा प्रेम गलत नहीं है। हम प्रेम करेंगे और जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक प्रेम करेंगी। वो हमारे प्रेम को स्वीकार करे या अस्वीकार करे वो उसकी मर्जी। अरे प्रेमिका का तो मतलब है जो प्रेमिका है वो करे, हमने वही तो किया। उसने कहा हम जाना चाहते, वो जाओ। हमने तो आज तक पत्र भी नहीं लिखा कि आप आ जाओ हमें देखने, आओ वहीं। हमने कब उनको विवश किया कि तुम आओ? हमने ये नहीं कहा कि अपना कोई मैसेंजर भेज दो, कोई दूत भेज दो। तुम तो अपनी मर्जी से आए हो, उसकी मर्जी से आए हो, हमने तो नहीं बुलाया। लेकिन प्रेमिका का मतलब है प्रेमी की हर बात माने। बोले मैं तैयार हूं। बोलो क्या बात? तुम्हारे प्रियतम ने कहा है योग की साधना करो। ब्रज की गोपी जमुना जी की बालू पे आंख बंद करके बैठ गई, कहा और बैठी रही और कहा बता कहां है तुम्हारा ब्रह्म, किधर है तुम्हारा ब्रह्म? अरे ऐसे थोड़ी नजर आ जाएगा उस ब्रह्म को। हजारों हजारों वर्ष लोग तपस्या करते तब जाकर वो प्राप्त होता है, और तुम एक मिनट में पा लेना चाहती हो? कृष्ण की प्रेम का गोपियां कहती हैं देख ऐ सुन, तेरा ब्रह्म झूठा है, सूखा है, हमारे कृष्ण से मिलेगा, चल अभी मिलाते हैं। और लेके चली गई निकुंजों में। और निकुंजों में क्या हो रहा है वहां पर? कहीं राधा जी को मना रहे हैं, कहीं राधा जी के चरण दबा रहे हैं, कहीं शेष की कहीं फूलों की सैया राधा रानी के लिए स्वयं कृष्ण सजा रहे हैं। उद्धव की आंखें चौंधिया गई हैं, ये क्या हो रहा है? वहां माखन मांगता है, यहां चरण सेवा करता, और हमसे कहता उनको ज्ञानी बना के आ जाओ। उद्धव सुधो है गयो सुन गोपीन के वो, ज्ञान बजाई डुब डुबी प्रेम बजायो डो, प्रेम बजायो डो, प्रेम बजायो डो। गए थे गुरु बनने उद्धव, शिष्य बनकर लौटे और क्या कह रहे हैं? बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, इन ब्रज गांव की नंद गांव की स्त्रियों की चरण धूल को मैं वंदन करता हूं, जहां उस ब्रह्म को ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। उद्धव प्रेमी बनकर लौटे। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अरे ब्राह्मण प्राणों के भय से यज्ञ करने लगे विजयश्री के लिए। उधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैंने वीरता के तो बहुत कार्य किए हैं, आज एक कार्यरता का भी काम कर लेता हूँ। तब मेरे ठाकुर जी रण छोड़कर भागे और तब से उनका नाम पड़ा है रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ भगवान की। किसके लिए रण छोड़ा मेरे ठाकुर जी ने? नमो ब्रह्मण्य देवाय। आज इस समाज में ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं ब्राह्मण हूं। बहुत से लोग जो हमेशा त्रुटियां ही देखेंगे वो इस बात को इस तरीके से ले लेंगे कि महाराज जी ब्राह्मण। हाँ कोई कह रहा था महाराज जी ठाकुर हैं। मेरे बाबा को गोत रावत है, मेरे नाना को गोत उपमन है,
मेरी दादी को गोत पारासर है और मेरो गोत भी रावत है और कछु गिनवाऊँ का चार गोत गिनवा दिए तुम्हें। पारासर ब्राह्मण ही होते हैं, उपवन ब्राह्मण ही होते हैं और हम और भी बात बतावें तुम्हें, हम कौन से संतान हैं? गर्गाचार्य सांडिल्य ऋषि जो है ना, हम लोग सांडिल्य ऋषि की संतान हैं। सांडिल्य ऋषि जो बाबा नंद के गुरु हैं उनकी संतान हैं हम, और कछु गिनवाऊँ का हिंदू सांडिल्य ऋषि को हमें तो पता ही नहीं, मो ठाकुर बनाए बे तुल्ले तुम्हें पता ना खुद। तो मैं भैया ये शरीर भी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, ठाकुर जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम बचपन में रासलीला में रहते थे तो रामकृष्ण की भूमिका करते थे तो ठाकुर जी उस समय कहते थे तो इसलिए पीछे नाम लिखा है। बाकी के नाम तो साहब हमारा अगर देखोगे तो देवकी नंदन शरण रावत ये पूरा नाम होगा हमारा, शरण हमारी शरणागति हो चुकी है भगवान के चरणों में, देवकी नंदन शरण रावत ये हमारा पूरा नाम होगा। और कह चुका हूँ लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं यहाँ सिर्फ ब्राह्मणत्ववाद की बात करता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये असत्य है। मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ, मुझे किसी की कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ मेरा धर्म है और धर्म में ब्राह्मणों को उच्च श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण संत और भक्त इन तीन का सम्मान अगर आप करोगे तो आपका नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तीनों का सम्मान करते रहिए, ब्राह्मण साधु और भक्त। भगवान भी रण छोड़कर भाग गए किसके लिए? ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। ब्राह्मणों मुखवासी ना, ब्राह्मण भगवान का मुख है और आज ब्राह्मण की सबसे दयनीय दशा है इस देश में, सबसे दयनीय दशा। इसलिए लोग अधिकांश कर्म कांड कर करके छोड़ के भाग रहे हैं। कौन कर्म कांड करे? कर्म कांड करने वालों को लोग क्या देते हैं? 500 रुपया भी नहीं देते, गांव में तो 100 रुपया 51 रुपया देते हैं। और 100 रुपया में जब तेरह ही घर ना चल लो तो पंडित जी को घर चले गो, फिर पंडित जी क्यों कर्म कांड करेंगे? पंडित जी क्या करेंगे? नौकरी। पंडित जी क्या करेंगे? बिजनेस। फिर पंडित जी क्या करेंगे? नेतागिरी। फिर पंडित जी क्या बनेंगे? मिनिस्टर। फिर पंडित जी क्या करेंगे? है गई पंडिताई। और उसका गुनहगार कौन? हम। जिस दिन कर्मकांड नहीं रहेगा इस देश में तब सोचो जब तेरे जिमाने के लिए ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, तब सोचो जब वो कौन से आते हैं? कनागत श्राद्ध, जब डोकई डोकरा भूखे रह जाएंगे, मैं कोई ब्राह्मण होगा ही नहीं जेमे। अब बताइए ब्राह्मण चाहिए कि नहीं? घर में बालक हो तो नामकरण कौन करेगा? जोर से बोलो, बोलो पंडित जी, जोड़ते नामकरण कौन करेगा? घर में शादी होगी तो हमारे कौन डरवावेगा? और घर में जब कोई चले जाए तो फिर कौन आवेगा? जन्म जीवन और मृत्यु तीनों जगह किसकी जरूरत है? और तीन जगह छोड़ के फिर चौथी जगह पंडित जी का अपमान क्यों करते हो? किस लिए करते हो? मैं इसलिए कसम से व्रत हूं मैं एकादशी का, झूठ नहीं कह रहा हूं इसलिए, कभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे वेदों की परंपरा है, ब्राह्मणों का सम्मान करोगे देश आगे बढ़ेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज कई ब्राह्मण पीने खाने वाले होते हैं, उनका कर्म उनके साथ है, मरेंगे वो भी भोगेंगे, वो कोई ऊपर से थोड़ी आए, उनने भी अपने कर्म को फल तो भोगना ही पड़ेगा। और जो ब्राह्मण पीता खाता है उसको तो फल और भी भयंकर लगता है आज समय, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का मुख है ब्राह्मण। इसलिए हम सबको भागवत कथा, आह देखो कितना आनंद आ रहा है, चारों तरफ भगवान के भक्त ही भक्त बैठे हुए हैं, इतना आनंद कभी आता है क्या? ऊपर बैठा हुआ चक्कर चला रहा है और तुम्हारे, और ये ठाकुर का जीता जागता प्रमाण है, देखो ना इतना लोग, बाप रे बाप, खेत खाली है गए, ये किसका चमत्कार है बोलो? है ना, उस कन्हैया से सच्चा प्रेम करो वही तुम्हारा है, बाकी रिश्ते तो सब झूठे हैं, सब छुई मुई के पेड़ हैं। आओ कन्हैया रुक्मणी जी के साथ में विवाह करेंगे, पहले उनका दर्शन कर लें और फिर आनंद करेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, ठाकुर जी और रुक्मणी जी हमारे मध्य में आ रहे हैं। वजह जिन्होंने भागवत का ये कथामृत
यहाँ पर सात दिन बड़ी अच्छी वर्षा करी है, एक बार जयकारा जोर से हो जाए, एक बार हो जाए जयकारा, कहीं मिल जाए तो भैया जोर से होगा। बोल बंसी वाले की जय। सभी बैठ जाएं, विवाह में आनंद लेंगे। सरकार, ए दूल्हा सरकार, दूल्हा सरकार, शादी करनी है? शादी करनी है? क्या मुस्कुरा रहे हैं? दूल्हा को भी शर्माती है? हमने सुना दुल्हन शर्माती है, यहाँ तो दूल्हा भी। और साहब, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में दूल्हा शर्मा रहा है? महाराज क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? यहाँ को दूल्हा नहीं शर्मावे को, यहाँ को दूल्हा तो और ही टाइप के हों। सरकार शादी करनी है बता दो, हम पे लगे जबरदस्ती करवा दो पंडित जी ने, करनी है? हाँ जी करनी है, करवा दीजिए। रुक्मणी जी करनी है शादी? रुक्मणी जी कह रहे हमसे तो पूछो ही मत, अम्मी ने तो पत्र दे के बुलाया था इनको, जल्दी करवा दो, भैया का कोई भरोसा नहीं, जाने भैया कब क्या कर बैठे। आइए पहले रुक्मणी जी माल्यार्पण करेंगी, उसके बाद कन्हैया माल्यार्पण करेंगे और पूरे श्रद्धालु ताली बजाकर मेरे ठाकुर का स्वागत करेंगे। आप इस विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं सभी लोग, अरे भाग्यशाली हो, भगवान के विवाह में शामिल हो रहे हो। पापियों को वास नहीं मिलता है, पापियों को एंट्री नहीं मिलती है ठाकुर के विवाह में, आप लोग भाग्यशाली है। जोर से ताली बजाकर ठाकुर के विवाह में सम्मिलित। ओम स्वस्ति न इंद्र व्रत द्रवाः, स्वस्ति न उघा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु, मंगलं भगवान विष्णो, मंगलं गणराध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। शादी है आज मेरे श्याम की, शादी है श्याम की, शादी है मेरे घर श्याम की, शादी है श्याम की, शादी है मेरे घर श्याम की, शादी है आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जोगनिया काना के वृंदावन जाऊंगी, जोगनिया काना के वृंदावन जाऊंगी, मैंने होली चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, जोगनिया काना के वृंदावन जाऊंगी, बल्कि जोगनिया काना के वृंदावन जाऊंगी,
राधे 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 महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति। ज्योति म्यूजिक कंपनी।